भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत कस्बा चोरी में कल रात ज्ञानपुर से बारात करके वापस अमवा गांव के लिए जा रही थी कि अचानक चालक को झपकी लगने से बनारस की तरफ से आ रही ट्रेलर से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चार लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बाकी लोगों को भदोही के ट्रामा सेंटर अस्पताल में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि चालक सहित स्कॉर्पियो में 18 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर चौकी के इंचार्ज प्रमोद कुमार यादव अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस द्वारा घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। बोलेरो में डे माह का बच्चा भी था, जिसे कोई खरोच नहीं आई। यह हादसा चौरी क्षेत्र अंतर्गत रोटहा हनुमान मंदिर के पास हुआ। स्कॉर्पियो बरातियों को लेकर वापस अमवा खुर्द जा रही थी कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से उनकी आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 18 लोग घायल हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा एम्बुलेंस व निजी वाहनों से घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान दो महिलाओं और स्कॉर्पियो चालक की मृत्यु हो गई। शेष अन्य घायल महिलाओं व बच्चों का इलाज चल रहा है, जिसमें एक महिला गंभीर हालत में है। पुलिस ने ट्रक व ट्रक चालक को कब्जे में ले लिया है। आज बीती रात थाना क्षेत्र चौरी में एक ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दो महिलाएं और स्कॉर्पियो चालक की मृत्यु हो गई। उन घायलों में 7 लोग रेफर होकर यहाँ से ट्रामा सेंटर वाराणसी में रेफर हो गए हैं। 6 महिलाएं जिनका इलाज जो है राजकीय चिकित्सालय भदोही में किया जा रहा है। ये दुर्घटना अमवा के एक संतोष गौतम थे, जिनके बारात ज्ञानपुर थाना क्षेत्र में आई हुई थी। रात में शादी के बाद महिलाएं को छोड़ने वापस जा रहा था और चौरी बाजार में ये सामने से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें गंभीर रूप से इंजर्ड हुई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।